बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? ये सब कोई मतलब ही नहीं है। डीए बीकॉम बीएससी एमए एमकॉम करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइडबुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स डीएवी पीजी कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूर्व, डॉक्टर कॉलोनी सिवान। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करें। मीडिया को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव ने बीजेपी को बताया बड़का जूठा पार्टी। नए सरकार के गठन के बाद से ही तेजस्वी यादव काफी एक्टिव नजर आ रहे हैं और वो लगातार अपने नए मंत्रियों को कई तरह के दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में आज तेजस्वी यादव अपने मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए बता रहे थे कि उनके मंत्री काम पर लग चुके हैं और हम लोग बिहार को नए दिशा देने के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तभी मीडिया के द्वारा पूछा गया कि कैसे एक मुस्लिम नेता विष्णु मंदिर में चले गए। इस पर बोलते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि बड़का झूठा पार्टी का बात कोई अब सुनता है क्या? बता दें कि बिहार की पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी ने एक तस्वीर शेयर करते हुए कहा था कि जिस मंदिर में गैर हिंदू को जाना मना है वहाँ नीतीश कुमार के साथ मंदिर के अंदर एक मुस्लिम कैसे प्रवेश कर गया। इसी की ओर से संबंधित मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए तेजस्वी यादव ने ऐसा जवाब दिया। बड़का झूठा पार्टी का कोई बात सुनता है क्या? इसका कोई मतलब ही नहीं है।